हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हिंदी में और इंग्लिश में गिनतियों को 200 के बाद किस तरीके से 100 के मल्टीप्लाई में बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 200, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 200 एंड रोमन काउंटिंग में इसको लिखते हैं CC, यानी 100 को हम C लिखते हैं तो 200 को डबल C लिखते हैं। इस तरीके से 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 10,000। 10 जैसे 1000 होता है इसको हम कहते हैं 1000। सो 1000 के बाद हम 10,000, जैसे हम इकाई दहाई करते हैं ना हिंदी में, 1000 के बाद 1000, 100, 1000 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 फिर 10,000 फिर लाख, 1,000,000, करोड़, 1,000,000,000, अरब, 1,000,000,000, इस तरीके चलते। सो इंग्लिश में हम ऐसे चलते हैं, जब हमारी अंग्रेज़ी में होता है वो 1000, 10,000 और 1,00,000 को हम कहते हैं 10,000, सॉरी, और 1,00,000,000 को हम कहते हैं यहाँ पर मिलियन, क्या कहते हैं, मिलियन। एंड करोड़ के लिए हम एक कहते हैं कि 10 मिलियन, और 10 करोड़ के लिए हम कहते हैं 1000 मिलियन, ठीक है, और 1 अरब के लिए हम कहते हैं 1000 मिलियन, एंड 10 अरब जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बिलियन, बिलियन कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।